गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि कंगना रनौत को इस समय देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश की आजादी के लिए शहीद हुए लोगों का अपमान किया है। कितने ही लोग देश की आजादी के लिए शहीद हुए हैं, सरकार को उसके इस बयान के बाद उसका पद्मश्री अवार्ड वापस करके मुकदमा दर्ज करना चाहिए। देखिए, इससे शर्मनाक बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। जिन क्रांतिकारियों ने, जिन व्यक्तियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, फांसी के फंदे पर झूल गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको सरेआम अंग्रेजों ने गोली मारी, कितने मतलब इनके नाम ग्रहण शहीदों के, जिन लोगों ने जो है खुद अपनी जान देकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, और महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जेलों में अपने दिन बिताए इस आज़ादी के लिए, वो कहना कि ये आज़ादी भीख में मिली है, इससे शर्मनाक देश के लिए कोई बात नहीं हो सकती। और जो सरकार इस मुद्दे पर मौन बैठी है, उससे मेरी प्रार्थना है कि या तो वो सफाई दे, ताकि देश की जनता को पता लगे कि उनकी सोच क्या है, सरकार की सोच क्या है। वो सफाई दे कि आज़ादी उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बलिदान देकर हमारे लिए जो है ये आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, वो सही है, या 2014 में जो आज़ादी मिली है, 2014 की आज़ादी आज प्रेस पर हम कुछ लगा हुआ है। जगबीर मलिक ने यह भी कहा कि ये पीएम मोदी के संज्ञान में है, उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो देश को स्पष्ट करें। वो कहती है ये असल आज़ादी 2014 में मिली, 2014 में ये सरकार तो अंग्रेजों से भी बुरे हालात बन गए। प्रेस आज़ाद नहीं, आरबीआई और चुनाव आयोग तक स्वतंत्र नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के जज तक कहते हैं कि देश की आज़ादी खतरे में है। जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ मामले दर्ज कर देते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या यही असली आज़ादी है? आज किसानों की हालत देख लो, किसान जो देश का अन्नदाता है उन पर कई हजारों हजार मुकदमे बना दिए, तो ये आज़ादी है? इसी को आज़ादी कहते हैं? तो कंगना रनौत जी ने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं माफ़ी मांगती तो उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने कदम उठाने चाहिए, पद्मश्री वापस लेना चाहिए, और इसके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। और मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका दायित्व बनता है, यदि वो ये इस पर कार्रवाई नहीं करवाते तो इसका मतलब ये समझे कि खुद प्रधानमंत्री जो है ना, वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। आज उनके नोटिस में बात है, उन्होंने एक्शन लेना चाहिए जो शहीदों का अपमान के क्या, जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो कर इस देश को आज़ाद किया, आज उनकी उनको ये कहते हैं वो आज़ादी नहीं है। बहरहाल कंगना के बयान पर सियासत गर्म हो गई है, देश भर में उनके बयान की आलोचना होने लगी है, जिसके बाद कंगना की निंदा हो रही है। गोहाना से टोटल न्यूज़ के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।